राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार के दिन लगभग 22 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और जो दूसरा दिन रहा सबसे सर्दी का वो दूसरा दिन रहा, 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहा। ऐसा ही एक तापमान 1997 में जब बना था जब 11 लगभग सेल्सियस तापमान पहुंच गया था, जिसके कारण सर्दी का सितम काफ़ी बढ़ गया था। इस बार 22 सालों बाद इसका रिकॉर्ड दोबारा एक तरीके से सर्दी का सितम जारी रहा। मंगलवार का दिन सबसे ठंडा दिन रहा 22 सालों के अंदर। कहीं ना कहीं लोगों को इसके से दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं इंडिया गेट की बात करूँ तो इस समय मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की संख्या घटती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है उसी के कारण लोगों की संख्या लगातार घट रही है। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। विमानों से जो ठंडी हवाओं के कारण लगातार उत्तर भारत में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो लोग बेघर हैं उनकी दिक्कतें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो बेघर हैं, फुटपाथों पर सोते हैं। कहीं ना कहीं सर्दी के कारण उनकी मौतों का आंकड़ा भी बढ़ जाता है। हर वर्ष देखा जाता है सर्दी के कारण लगातार मौतें होती हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इंडिया गेट पर घूमने आए हुए हैं। क्या मानते हैं, सर्दी का आनंद ले रहे हैं? हाँ, सर्दी तो है यहाँ, बहुत सर्दी है। हम लोग तो अभी जम्मू से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे हैं। वहाँ पे बर्फबारी हुई है लेकिन इतनी सर्दी वहाँ भी नहीं है। नीचे जम्मू में अभी धूप खिली हुई है और मौसम अच्छा है, लेकिन यहाँ भी बहुत सर्दी है। क्या मानते हैं, इससे दिक्कतें भी होती हैं? दिक्कतें तो हो ही रही है। अभी देखिए, मुझे तो अपने गांव जाना है, घर जाना है। बीच में ट्रेन कैंसिल हो गई सर्दी के कारण ही, ट्रेन कैंसिल हुई है। पास में लेडीज़ भी हैं, अब हम लोग को यही पता नहीं चल रहा है कि अब जाएँ कैसे जाएँ। ट्रेन कैंसिल है, ठंडी के कारण कोहरा भी काफ़ी है, इससे कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कत आती है आप लोगों को? हाँ, ये तो है, सांस लेने में भी दिक्कत है। और बाकी सब गरीब तबके के लोग जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। जो लोग फुटपाथ वगैरह पर सोते हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। बाकी लोग तो घरों में हैं, लेकिन गरीब लोगों को और इससे काफ़ी परेशानी है। कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जो बेघर लोग हैं उनके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए और कुछ ना कुछ सहायता के लिए जो कंबल होते हैं जैसे होते हैं उन्हें दान करने चाहिए। हाँ हाँ, ये तो करना ही चाहिए। मतलब कुछ तो हेल्प करने वाली संस्था है जो कि करती हैं ये भी, तो बाकी सबको मिलके करना चाहिए। तो जो भी आम पब्लिक है, हमारे जैसे लोग हैं, उन सबको भी करना चाहिए कुछ डोनेट। क्या मानते हैं, प्रदूषण इस बार अधिक देख रहे हैं और तुलना में और वर्षों की तुलना में? प्रदूषण तो खैर दिल्ली में तो काफ़ी हद तक अच्छी है अभी फिलहाल, लेकिन है काफ़ी पहले के अपेक्षा में, मतलब 2-3-4 साल पहले यहाँ पे था तो इससे काफ़ी था, अभी कुछ नॉर्मल लगता है मुझे। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना था कि लोग हमें बाहर जाना था, हमें दूर जाना था, हमें दिल्ली में रुकना पड़ा क्योंकि ट्रेनों को रोक दिया गया है। मुख्य कारण यही है, कोहरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरीके से अगर कोहरा बढ़ता रहा तो कई और ट्रेनें भी रोकी जा सकती हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, मंगलवार के दिन जो कि सबसे ठंडा दिन रहा, साथ ही बृहस्पतिवार का अगर मौसम विभाग की माने तो बृहस्पतिवार का दिन भी ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और सर्दी का जो तापमान है जो बढ़ घट रहा है वो धीरे धीरे कुछ बढ़ने लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।